राज्य में बीजेपी सरकार शासन भार ग्रहण करने पर नुआ मुख्यमंत्री और कैबिनेट पूरी जाई चारिद्वार खोलिबार साक्षी साजिंट मुख्यमंत्री उपस्थित में मंगल आरती पर खोल जा चारिद्वार दीर्घ दिन प्रतीक्षा पड़ी पूर्ण छेद भक्तों पर खोल जा श्रीमंदिर चारिद्वार राज्य में बीजेपी सरकार शपथ नेबार परदिन सकालु खोली श्रीमंदिर चारिद्वार गुरुवार भोर भोर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सदस्य उपस्थित में खोल जा श्रीमंदिर चारिद्वार 22 पहाच दे श्रीमंदिर गर्भगृह प्रवेश कर महाप्रभु को अति निकटर दर्शन करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी मुख्यमंत्री सहित मंत्री माने गर्भगृह प्रवेश कर महाप्रभु दर्शन करिसंती विगत किछि वर्ष भितरे पुरी को भक्तों संख्या प्राय पांच गुण बढ़ी जाइछि तेणु केवल सिंहद्वार प्रवेश करी महाप्रभु श्रीजगन्नाथ दर्शन करने को लाइन रे घंटा घंटा धरी भक्त माने अपेक्षा करुथिले तेणु श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा दीर्घ दिन हेबो दाबी होई आसुथिला एथर निर्वाचन रे बीजेपी एहाकु प्रसंग करिबा सहित प्रतिश्रुति देथिला जे सरकार शपथ पाठ नेबा परदिन ही श्रीमंदिर चारिद्वार खोला जिवो आउ निर्वाचनी प्रतिश्रुति कार्यकारी करने सहित मुख्यमंत्री भाव में कार्यभार आरंभ कर मोहन माझी समस्त मंत्रिमंडल सदस्य मान उपस्थित आज महाप्रभु को दर्शन करागला एवं महाप्रभु को आशीर्वाद से चारिद्वार परिक्रमा कर संपूर्ण भाव द्वार को खोली दिगला ये भक्तों जो इच्छा था एवं मंदिर परिचालन जोभली भाव में भक्त को दर्शन करिवारे संपूर्ण भाव में आध्यात्मिक कार्य बाधा न आसु से सरकार निष्पत्ति निगला एवं ताहा आज संपन्न से निजर तांकर नियम मानिकरी से भीतर काठ भीतर भीतर को जाई नहंती भीतर बाहर काठ ये भीतर काठ पाखरे से रही कर दर्शन कले केन्दुझर जिलार जन मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री होइतवारु आमे भी बहुत गर्वित आमे पुरुणा संस्कृति को पुरुणा परंपरा को पुरुणा प्रक्रिया को आम फेर आने प्रयास करो मान अभिज्ञता अच्छी जो मैंने सेवायत अच्छा जो मान ऐतिहासिक गवेषक अच्छा से मैंने जो कर्पस पांठि कराई से कर्पस पांठि को विनियोग करके काम करेंगे बुधवार कैबिनेट बैठक सरिबा परे मुख्यमंत्री सहित दुई उपमुख्यमंत्री और समस्त कैबिनेट मंत्री पुरी रे पहुंची सर्किट हाउस रे रात्रि जापन करिथिले गुरुवार सकाळु सकाळु मंगल आरती पूर्वरु सिंहद्वार सम्मुखरे समस्ते पहुंची जाइथिले मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक वीर विक्रम यादव गुइंदा निर्देशक सौमेन्द्र प्रियदर्शी विभिन्न विभाग सचिव मुख्यमंत्री मंत्री मानंकु स्वागत करिथिले सिंहद्वार फाटक पतित पावन निकट में आरती दर्शन करने पर सिंहद्वार समेत चारि द्वार खोली छत वर्ष लोकंर भावावेग जहाँ लोकंर आवेग जहाँ लोकंर स्पंदन जहाँ लोकंर अभिमान स्वाभिमान ओडिशा प्रति अस्मिता प्रति जहाँ रही लोकंर सरकार ताकवा पछेब ना आज ठारु चारिद्वार खोल जा भक्त भक्त मैंने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण द्वार प्रवेश भी करेंगे प्रस्थान भी करेंगे सेम द्वार सो से किसी प्रतबंधक नहीं भक्त सुविधापी आम परिक्रमा प्रकल्प एरिया रे जो आपणकर वेस्ट नॉर्थ साउथ रही आपणकर सु मोबाइल स्टैंड रही कल टीवी देखु कमी प्रभु पहुँची प्रभु जगन्नाथ मुझे आज चारिद्वार खोल मुझे देखी से दर्शन चाहूँगी कि प्रभु विचित्र लीला ये मोदी सरकार विचित्र लीलाम सब कथ कले मत बहुत आनंद लगुच प्रथम गर्भगृह चतुर्धा मूर्ति दर्शन पर विमला लक्ष्मी और पार्श्व देवादेवी दर्शन करते मुख्यमंत्री और टीम तापर अन्य तीन द्वार को जाते सबु द्वार खोल देखि भावविहोल हो जाते मुख्यमंत्री दीर्घ दिन प्रतीक्षा पर चारि द्वार खोली भक्तों आखिरे लुह आसी जाता दीर्घ दिन आलोचना पर जहाँ सरकार गोटे
ଡେୟାରିଂ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିନା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେୟାରିଂ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଯେମିତି ଭିତରେ ଯେମିତି ଚାରିଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଆମକୁ ଯତ୍ନବାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ କହିବାର ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି ଏଠି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି ପ୍ରଭୁ କାହା କଣ୍ଠରେ ନା କାହା କଣ୍ଠରେ ବସିକିରି ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଚାହିଁବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଜି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାଲି ଶପଥ ନେଲେ ଆଜି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କି ଆଜି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ଅତି ସହଜରେ ହେଇପାରୁଛି। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପରଠାରୁ ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଥମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଓ ପରେ କେବଳ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଶାସନର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାରିଦ୍ୱାର। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁ, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।